हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचदखरण विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के संगे खबर रीमा से हबई, जहां जिला में अवैध उत्खनन के कार्यवाही कीन जात लागी। वहीं कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश दिए के बाद कार्यवाही कई के हुजूर तहसील में आवे वाले बैजनाथ और नरौरा गांव में एक काम में लगे गाड़िन के ऊपर जुर्माना के रकम वसूली। हम जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित बताइन, एहमा अवैध उत्खनन के 8 प्रकरण में 30,53,000, अवैध परिवहन में 6 प्रकरण में 5,72,000 और अवैध भंडारण में छापा मार के 1,60,000 के जुर्माना वसूली। हम खबर रीमा से हबे, जहां जिला में 13 जून से सगले स्कूल खुल गए। हम ए स्कूलन में 15 जून तक स्कूल में जाए के उत्सव मनावा जात लाग हबे। ए उत्सव में शामिल होए वाले लड़कन के स्वागत कीन जात लाग है। कलेक्टर मनोज पुष्प बताइन के सरकारी हाई स्कूल करहिया नंबर 1 में यह उत्सव मनावा जात लाग हबे और आदेश दिहिन कि स्कूलन में चुनाव आचार संहिता के पालन कीन जाए। खबर रीमई से हब, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के आदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सब जने वोट डारा एक ही खातिर मतदाता जागरूकता अभियान चलावत लामा। बतावा के कोहू के कहा और लालच में न पड़ा, अपने विवेक से वोट डारा। यह अभियान में गांव के जने और स्कूल के लड़का सब रैली निकालत लागा। एक तो स्वीप की एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोगों को चुनाव के लिए प्रेरित करने और जोड़ने के लिए इस तरह के सेंटर सभी अर्बन बॉडी में और सभी जनपद मुख्यालयों पर बना रहे हैं, ताकि एक तो लोग उससे जुड़े, दूसरा इसके माध्यम से हम उन सभी लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं जिन्हें इसमें डाउट्स होता है। कई बार हम ट्रेनिंग दे देते हैं लेकिन बाद में कर्मचारी को किसी चीज़ में कोई डाउट रहता है तो वो या तो फ़ोन लगाता है या किसी से जाके पूछता है या आपस में डाउट शेयर करता है। हमारी कोशिश यह है कि ऐसे सभी जगह सेंटर बने रहेंगे तो वो कभी भी 10 to 5 वहाँ पर वॉक इन कर सकता है और आके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई डाउट क्लियरिंग करना हो तो वो यहाँ वॉक इन करके अपनी बात पूछ सकते हैं। आप सभी जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनके मन में भी कई बार नियम कानून प्रक्रियाओं के बारे में ऐसे डाउट्स आ जाते हैं। दूसरा, जो रूरल चुनाव है और अर्बन चुनाव है उनमें कई जगह बारीक अंतर है। रीमा के कलेक्ट्रेट के बाढ़ सागर सभागार में PC और PNDT एक्ट का लेके जिला स्तरीय सलाहकार समिति के बैठक भय रही, जेमा कलेक्टर मनोज पुष्प कहिन के समिति के सदस्य और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर महीना सोनोग्राफी केंद्र के निरीक्षण करा और कौनो गड़बड़ी हो थी तो कार्यवाही करा। रीमा के सिविल लाइन थाना में आबई वाले कोर्ट के सौहे रोड में लगावे वाले चाय सुट्टा बार के सौहे आए दिना गैंगवार के घटना होत रहा थी। ओखे बादव पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठे। हम बतावा जात है कि व्यापारिन के दबाव में पुलिस यहाँ कौनो कार्यवाही नहीं कर पावा ताही। सम्मार का कुछ जने तलवार डंडा बंदूक लेके पहुँच गए, इतना नहीं दूठे फायर कर दीन। गनीमत रही के कोहू का गोली नहीं लगी। एक ही बाद उहन पुलिस पहुँच गए, तब तक अपराधी भाग गिरे। हाँ, अभी करीब आधे घंटे पहले जानकारी लगी थी यहाँ पर कि जो अपना चार सुट्टा बार वाला एरिया है, चौपाटी वाला एरिया है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति था, उसके पीछे कुछ लड़के आए थे। उसमें से 3 लड़कों की कुछ पहचान में हो गई, उनके नाम भी क्लियर हुए हैं। पुलिस पार्टियाँ चली गई हैं पकड़ धकड़ के लिए और इसमें हवाई फायर टाइप का कुछ करने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया, ऐसा समझ में आया है। किसी को चोट नहीं लगी अभी तक की जानकारी के आधार पर। पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। रीमा के गोविंदगढ़ में तलाए के सौही एक महिला के जलत लहास मिली रही। वहीं सूचना के बाद पुलिस पहुंच गई, महिला काहे जली एखर पता नहीं लग पावा है। माना जात है कि कोहू मार के जलाइन हम। घटना बिछिया थाना के पड़ोखर गांव की बताई जाती है। सर, ये सही है, ये बॉडी एक महिला की लग रही है और एक मड़ाई बनी थी पहले से, तो वो घास फूस की थी तो उसी में अंदर ये जली हुई पड़ी हुई है जी। खबर रीमा से है, जहां प्रयागराज से मैहर जात में एक ट्रक और कार भिड़ गए रहे, जेमा कार में बैठे 3 जने मर गए और 4 जने घायल हुए के हम, जिनका संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावा गए। अपना का बताए दे, यह समय कौने न कौने दिन यह मेर के घटना होते रहा थी। ये रात में 1:30-2 बजे के आसपास की बात है। एक प्रयागराज से का होंडा अमेज गाड़ी थी, उसमें करीब 5-6 लोग सवार थे और वो मैहर दर्शन के लिए जा रहे थे।
करीब जेपी मोड़ जो अपना बाईपास का है, बाईपास के पास उसकी टक्कर एक ट्रक वाले से हो गई। रमेश वाले ने ट्रक वाले को पीछे से टक्कर मारी। वो टक्कर इतनी तेज़ थी कि आगे बैठे एक ड्राइवर और एक उसके जो ऑनर थे वो, उनकी गोदी में एक बच्ची बैठी थी, वो तीनों लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग घायल हैं, उनको अस्पताल भेज दिया गया है। वहाँ एक दूसर खबर रीमई से है, जहाँ सेमरिया थाना में एक ठे स्कॉर्पियो भिड़ गए। बतावा जाता है कि यह घटना में कुछ जने घायल हो गए हैं। बतावा जाता है कि रात के 2:30 बजे जगन्नाथपुरी से लौटत रहे स्कॉर्पियो वाले सतना के मझगवा की बताए जाता माँ। वहीं दूसर कहती सतना के मैहर परसमनिया में रामपुर पहाड़ में एक ठे गाड़ी नंबर 407 पलट गया, जे में 14 जने घायल हुई के हम। बतावा जात है कि 25 जने सतना घूमे निकले रहे, जब मैहर मैया शारदा के दर्शन करे जात रहे तब यह घटना हुई। बिठा दिए ना, तीन इसमें बिठा दिए तो आप कहाँ दर्द सही नाम हाँ, रात में 2:30 बजे के आसपास से ये जगन्नाथपुरी से एक स्कॉर्पियो है वो वापस आ रहे थे, सतना मझुआ के रहने वाले थे, और रास्ते में वो गाड़ी पलटने के कारण से कुछ लोग घायल हुए। गाड़ी में करीब 5-6 लोग थे, उसमें 5 लोग घायल हुए थे, किसी की मौत नहीं हुई। घायलों को उपचार कराने के बाद आवश्यक कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर दी गई है। आज खातिर इतने, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।